कानपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधा जी हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राधा जी बताइए क्या परेशानी है आपके साथ। मेरी मिसेज का नाम राधा सिंह, उनका हस्बैंड बोल रहा था दिनेश सिंह जी, बताइए। इनकी उम्र 52 साल है जी। इनको तो हाइपर एसिडिटी बनती है और इनके मुंह में, ओठ में, जीभ में, गले में जलन होती है जी, जलन और गुनगुनाहट। और ये प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रही है, 2011 से चल रही है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया है, जांचें भी कराई हैं, लेकिन कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता, जांचों को निकलता नहीं। इनका पेट बिल्कुल साफ ही नहीं होता है, हाइपर एसिडिटी बनती है और उसकी वजह से इनके दांत घिस रहे हैं, मसूड़े बाहर आ रहे हैं, दांत घिस रहे हैं जी। सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों से कर थक गया हूँ, लेकिन कहीं टेस्टिंग बहुत हुई, एंडोस्कोपी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्या उपाय है? ये दर्द होता कहीं कमर में, कहीं पुट्ठे में, कहीं कोख में, कभी सीने में। ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात समझ लें और लिख लें तो बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत साल हो गए इनको, बहुत दवाएं खा ली, अब भी खा रहे हैं, चाहें तो खाते रहें, लेकिन एक घरेलू नुस्खा आप लिख लें, खुद बनाएं, इनको इस्तेमाल कराएं, पहले दिन से फ़ायदा शुरू होता है। और ये एसिडिटी, कब्ज़, छाले, हाइपर एसिडिटी, बवासीर, लीवर, आंतें, मैदा, किडनी की मरम्मत करता है और बहुत आसान है। मेथी का दाना आप समझते हैं, आपकी पत्नी भी समझती हैं, 500 ग्राम लीजिए, 500 ग्राम यानी आधा किलो। और एक रसायन आता है जिसे जैतून का रसायन कहते हैं, जैतून का रसायन या एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं, और हम आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए नमक जैतून कहते हैं। ये देखने में नमक जैसा लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। ये 100-150 ग्राम लें और 500 ग्राम इसमें मिला दें मेथी में, और पाउडर बना लें, आधा चम्मच सुबह खाने से पहले लें, आधा चम्मच दोपहर खाने से पहले, आधा चम्मच रात को खाने से पहले, पानी के साथ दें। आप देखेंगे कि फ़ायदा तो ऐसा लगेगा एक ही हफ्ते में पूरा हो गया, लेकिन आप मेरी बात याद रखना, 8 साल से आपको तकलीफ़ है या 12 साल से तकलीफ़ है, तो ये जब तक ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया ख़त्म ना हो जाए, जब तक इन्हें रोकना नहीं, ताकि पूरे जड़ से ये ठीक हो सकें और इनको इन सब बीमारियों से जो आपने जुमला बीमारियां मुझे बताएं इनसे निजात मिल सके जी। मध्य प्रदेश से एक और कॉलर है, पीके वर्मा जी ने हमें कॉल किया है जी, बताइए क्या समस्या है आपके साथ। समस्या ये है सर कि मैडम की श्रीमती शशिकला का क्या है कि शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है जी। क्या उम्र है? उम्र है सर 52। 52, ठीक है। देखिए, एक गोंद के बारे में अक्सर बताता हूँ, भारत के कोने कोने तक ये बात पहुँची है और जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है उनको फ़ायदा मिला है। आप भी समझ लीजिए कि एक गोंद आता है जिसे हम काला गोंद कहते हैं या गोंद स्याह कहते हैं या ब्लैक गम कहते हैं, ये मिलता मुश्किल से, नकली भी मिल जाता है, असली लें और ये आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से देना शुरू करें, और अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले मरीज़ को रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये कड़वा बहुत होता है आप, और नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आयुष जी ने हमें कॉल किया है, उनकी क्या परेशानी है, उनका क्या प्रश्न है, आइए जानते हैं। आयुष जी सवाल करें। मैम, मेरे दादाजी को हर्निया का प्रॉब्लम है जी, तो उनको वहाँ पे दर्द होता है कभी कभी। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 75। 75 है, हर्निया की प्रॉब्लम है। हाँ। दादाजी को
देखिए, अगर ये कम है तो इसका निवारण हो सकता है, बहुत ज़्यादा है तो, जब बहुत ज़्यादा हो तो इसका ऑपरेशन भी करा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है इस पर भी निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा है तो देखिए, सौंफ और धनिया 250-250 ग्राम लें, सौंफ और धनिया 250-250 ग्राम खरीदें, और कलौंजी का नमक 100 ग्राम, और इसमें पाउडर बना लें, और आधा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच सुबह और शाम दिया करें। आपके दादाजी का अगर रोग बहुत ज़्यादा नहीं है तो ठीक होना मुमकिन है। जी, अयोध्या प्रसाद जी का कॉल हमें आया है उत्तर प्रदेश से, उनसे बातचीत करते हैं। अयोध्या जी, क्या परेशानी है? मैडम, हमको जो है माथ पे गांठें पड़ रही हैं शरीर में। जी हाँ, तो हम डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी हो गई 52। जी, और देखिए, एक तो एनिमल फैट बंद कर दें। एनिमल फैट में चार चीज़ें आती हैं, मांस, जानवर का गोश्त, और जानवर का दूध, जानवर का घी और मक्खन, ये बंद कर दें सबसे पहले। और जितना हो सके गर्म पानी पिएं, 5 बार गर्म पानी पीना अनिवार्य है, और इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, 1 घंटा पैदल चलें धूप में। धूप हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें पता नहीं होता कि धूप हमारे लिए क्या है। और खाने में अपने जो भोजन बनता है उसमें इतना सारा लहसुन और अदरक ज़रूर डालें, ये और गांठें बनने से रुकेगी और चर्बी जिस्म में नहीं रहेगी, बाहर निकलती है। एक नुस्खा भी है, आप जैतून का नमक जैतून या रसायन जैतून कहते हैं, ख़रीदें और आधा ग्राम पानी में मिलाकर और 1 नींबू निचोड़कर उसमें रोज़ाना 1 बार या 2 बार पीने से भी आपकी गांठों का पिघलना मुमकिन है। तो वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं मुजफ्फरनगर से, सीमा जी ने हमें कॉल किया है। सीमा जी, प्रश्न करें आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मेरी हकीम साहब से बात करा दी। हकीम साहब सुन पा रहे हैं जी? आदाब, मैं आपको सुन रहा हूँ, फरमाइए। हकीम साहब नमस्ते। आदाब जी। हकीम साहब, मैंने आपके यहाँ से, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, जैतून का सिरका मंगवाया था, और उसके बाद से मुझे काफी रिलीफ है, मतलब शुगर मेरी घट बढ़ती थी बहुत ज्यादा, और अब मेरे को मतलब घट नहीं रही है ना ज्यादा बढ़ रही है। कार्ड मेरा टेस्ट हुआ है, उसमें मतलब जैतून का सिरका के बाद मैं अपनी दवाई भी खाती हूँ, खाने के बाद जो मैं खा रही हूँ, तो उसमें रैंडम जो मेरा हुआ था उसमें 130 आई है, और ये मेरी 200-250 तक हो जाती थी, और कभी कभी 90 तक ही रह जाती थी, 75 भी हो जाती थी, इस तरह से होता था। अब डॉक्टर साहब, मुझे ये परेशानी और है कि मतलब मैं कमर का दर्द मेरे को रहता है और घुटने में और एड़ी में, तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ गोंद सिया जो आप बताते हैं? और दूसरी बात है, मेरा ऑपरेशन होना है यूट्रस का, तो मैं मतलब यूट्रस का मेरा ऑपरेशन की डेट मिली हुई है मुझे 4 दिन बाद की, तो मैं ये गोंद जो ये जैतून का सिरका पी रही हूँ, ये मैं कब तक पी सकती हूँ, और ऑपरेशन के बाद कब स्टार्ट कर सकती हूँ फिर? जी, बड़ी समझदार बच्ची है, और जैतून का सिरका जब आपकी टांके खुल जाए, जो ऑपरेशन होता है उसमें, जो सर्जरी होती है उसमें टांके लगाए जाते हैं, जब आपके टांके खुल जाएं उसके बाद लेना। ये आपने बहुत ही समझदारी की बात की, इतनी जहीन बच्चियां बहुत कम होती हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप ये अगर कुछ दिन ऑपरेशन टल जाए तो ये जैतून का सिरका गांठों को भी गलाता है ओवरीज की, और नहीं टले तो फिर आप काला गोंद भी आप बाद में लेना, मंगा तो लीजिए लेकिन बाद में लेना ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद कमर में बहुत तकलीफ होती है, जो इंजेक्शन लगता है ना,
बड़ा तड़पती हैं महिलाएं, तो उस वक्त जब दर्द नहीं जा रहा हो उस वक्त आप लेना शुरू कर देना आधा आधा ग्राम दो बार, डॉक्टर मना भी करे तो ले लेना। ये हज़ार दवाओं पर भारी है, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनका ऑपरेशन हुआ और कमर में इंजेक्शन देते हैं, वो दर्द किसी सूरत नहीं जाता, ये काले गौन से चला जाता है और बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये मंगा के रखें, आप ले सकते हैं ऑपरेशन के फौरन बाद भी ये गौन आप ले सकते हैं, सिरका आप अपने टाके खुलने के बाद लेना। बिहार से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, गिरजा देवी जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल कर सकती हैं आप। जी हम 15 कमर में भी गिरे हैं, दर्द बहुत ज्यादा रहता है। और आप पंखा बंद कर दीजिए, पंखा आपकी बैक पेन की समस्या। हाँ देखिए, जिस उम्र और जिस आवाज़ में आप बात कर रही हैं अंदाज़ा हो रहा है आपकी एज का, यहाँ पर दर्द होना शायद अनिवार्य हो गया है महिलाओं को और पुरुषों को भी। एक 5 साल से आप जब तकलीफ में हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होता है कि 5 महीने यूनानी को देके देखें, कहाँ 5 साल कहाँ 5 महीने। और ये जो गौन स्याह आता है जी, काला गौन, ये बहुत गजब का है, कहीं भी असली मिल जाए चाहे 100-200 ग्राम ही मिल जाए, लेकिन ये 100-200 ग्राम गौन अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर देता है। इसमें ये सलाहियत है, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को, अगर आप बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से, धीरज जी सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी, सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब। सर ये है कि जैसे मैं कभी कभी ज्यादा चलता हूँ, तो मिनिमम भी चलता हूँ या फिर ज्यादा चलता हूँ, तो मेरी सांस अचानक फूलने लगती है जी, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कोई दवाई हो तो बता दीजिए। एज आपकी बता दीजिए। मेरी एज 35 है। अच्छा देखिए, खून में चर्बी बढ़ने लगी है मेरे अनुभव के हिसाब से, और चर्बी काटने वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। चर्बी कटती है लहसुन से, और हालांकि आपको ये बात बहुत जल्दी होने लगी, ये 40-45 के बाद होता है। तो चर्बी वाली चीज़ें एनिमल फैट बंद कर दें, जैसे दूध, घी, मक्खन बंद कर दीजिए, और अपने खाने में इतना लहसुन और इतनी अदरक डलवाया करिए ताकि आपका खाने की चर्बी आपकी बॉडी को ना लगे। मैं खुद इस उम्र में 5 से 10 लहसुन रोज़ाना खाता हूँ। जब मेरे सामने खाना आता है तो 5-10 लहसुन छिले हुए होते हैं और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ। ऐसे आप भी करिए, ये एक अच्छा नुस्खा है। और कोई दवा रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो जैतून का सिरका ख़रीद लीजिए और 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर पीना, बहुत तेज़ होता है, ये चर्बी का दुश्मन होता है जैतून का सिरका। 2-3 महीने लगातार लें, पैदल भी चला करें, गर्म पानी भी पिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।